सो गाइस, ये तो आपको पता ही होगा कि सीएस रैंक के अंदर बहुत टाइप के प्लेयर होते हैं। कोई कोई नेडर्स होता है, कोई कोई रसर होता है, कोई कोई सपोर्टर होता है, मतलब जो लॉन्ग रेंज से कवर देते हैं। अब देखो भाई, रसर्स के ऊपर तो हमने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन वीडियो बना दिया है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट सपोर्टर कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसको आप लोग OB39 अपडेट के बाद सीएस रैंक के अंदर यूज कर सकते हो। और अगर आप अपने टीम के सपोर्टर या फिर आप लोग लॉन्ग रेंज से कवर देते हो, तो गाइस आपके लिए ये जो कॉम्बिनेशन होने वाला है ना, वो एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। और इसको अगर आप लोग यूज करोगे तो आप लिख के ले लो, 100 में से आप लोग 90 मैचेस अपने दम पे निकाल लोगे। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, इसको मैंने प्रैक्टिकली टेस्ट किया है, तभी बता रहा हूं। अब देखो भाई, सीएस रैंक ना एक ऐसा मोड है जिसके अंदर भले आप लोग सपोर्टर हो, रसर हो या फिर स्नाइपर हो या फिर कुछ भी हो, आपको शॉर्ट रेंज के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने सभी चीजों का ध्यान रखा है, जिससे आपको शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों के अंदर ही कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखना। अब अगर हम बात करें हमारे कॉम्बिनेशन के बारे में, तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको एक्टिव स्लॉट के अंदर मैं दो ऑप्शन देने वाला हूं, दोनों में से आप लोग किसी को भी चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा के कैरेक्टर, जिसको यूज करने से ये आपको ईपी देगा, और फिर वही ईपी को आप लोग एचपी में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आपके एचपी को ये रिकवर कर देगा। तो अगर आप लोग लॉन्ग रेंज से अपने टीममेट को कवर दोगे, तो वहां पर अगर कोई भी एनिमी आपको देख लेता है और फिर आपको डैमेज देता है, तो वहां पर आप अपने आप को हील कर सकते हो इसके एबिलिटी को ऑन करके, और उसी टाइम पे साथ ही साथ आप उसके ऊपर अटैक भी कर सकते हो, जिससे आपके टीममेट को कवर भी मिल जाएगा और आपका हेल्थ भी रिकवर हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, जैसे लॉन्ग रेंज से बंदे ने मेरे को डैमेज दिया, तो मैंने तुरंत के एबिलिटी ऑन करके उसके ऊपर काउंटर अटैक किया, जिससे यहां पर मैं नॉकडाउन नहीं हुआ, और फिर बाद में जाकर मैंने एक बंदे को इजीली डाउन भी कर दिया। तो ऐसे ही और भी सिचुएशंस के अंदर शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों के अंदर आपको एचपी की जरूरत पड़ सकती है, तो उन दोनों ही सिचुएशंस में के कैरेक्टर का जो एबिलिटी है वो काफी यूजफुल बन जाता है। तो अगर आप लोग चाहो तो अपने कॉम्बिनेशन के अंदर एक्टिव स्लॉट के अंदर के एबिलिटी को रख सकते हो, और मैंने भी इस कॉम्बिनेशन के अंदर के को ही यूज किया है। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहो तो होमर को भी यूज कर सकते हो, अगर आपको होमर अच्छे से यूज करना आता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके एबिलिटी को यूज करके आप लॉन्ग रेंज से कवर देते टाइम उसके एबिलिटी को यूज कर सकते हो, जिससे आपके टीम के जो रसर्स है उनको हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसके एबिलिटी को यूज करके ना आप एनिमी के मूवमेंट स्पीड को 60% और रेट ऑफ फायर को 35% कम कर सकते हो, जिससे आपकी टीम के जो रसर्स है वो उनको घुसकर मार सकते हैं। और इसके अलावा जब आपको शॉर्ट रेंज के अंदर जाना पड़े, तो वहां पर भी आप एनिमी के ऊपर रस करने के लिए सबसे पहले इसके एबिलिटी को यूज कर दो, जिससे कि एनिमी के ऊपर जैसे ही जाकर हिट करेगा तो उसका मूवमेंट स्पीड और रेट ऑफ फायर कम हो जाएगा, जिससे कि आप लोग उसको इजिली मार पाओगे। जैसे कि आप लोग इस क्लिप के अंदर देख सकते हो, मैंने एनिमी के ऊपर रस करने के लिए होमर का एबिलिटी यूज किया, और फिर जैसे ही वो ड्रोन एनिमी को हिट हुआ तो उसका मूवमेंट स्पीड स्लो हो गया, जिससे मैं उसको मार पाया, वरना हो सकता था कि वो भी मेरे को मार दे। तो इसलिए अगर आपको अच्छे से होमर कैरेक्टर यूज करना आता है, तो आप इस कॉम्बिनेशन के अंदर होमर को भी रख सकते हो। लेकिन मैंने होमर को इस कॉम्बिनेशन के अंदर इसलिए यूज नहीं किया, क्योंकि भाई इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जिनके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो अगर आपको चेक करना है तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर लेना अगर आपको ड्रॉबैक्स के बारे में जानना है। तो ये चीज गाइस आपको डिसाइड करना है कि आपको इस कॉम्बिनेशन के अंदर के और होमर में से किसको यूज करना है। मैंने आपको दोनों का एडवांटेजेस बता दिया है, अब आपको जो अच्छा लगे, आपको जो अच्छे से यूज करना है, आप उसको यूज कर लेना। सो एक्टिव कैरेक्टर को चूज करने के बाद हमारे पास बचते हैं 3 स्लॉट्स, जिसके अंदर आपको यूज करना है पैसिव कैरेक्टर्स को। और इसके अंदर सबसे पहले स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है राफेल की एबिलिटी को, अगर आप लोग मार्क्समैन राइफल और स्नाइपर्स को यूज करते हो। लेकिन इसकी जगह पर अगर आप लोग सभी गन्स को यूज करते हो, SMGs भी यूज करते हो, आप लोग एयर राइफल्स भी यूज करते हो, और बाकी स्नाइपर्स और मार्क्समैन राइफल भी यूज करते हो, तो आपको यूज करना चाहिए मारो की एबिलिटी को। अब राफेल के बारे में तो भाई सभी को अच्छे से पता होगा कि इसके एबिलिटी को यूज करने से अगर आप लोग मार्क्समैन राइफल और स्नाइपर्स को यूज करोगे, तो उनके अंदर साइलेंसर लग जाता है, और उनसे अगर आप लोग किसी भी बंदे को डाउन करते हो तो वो जल्दी फिनिश हो जाता है। तो अगर आप लोग सिर्फ मार्क्समैन राइफल और स्नाइपर्स को ही सबसे ज्यादा यूज करते हो, तो आपको यूज करना चाहिए राफेल की एबिलिटी को। लेकिन अगर आप लोग सभी गन्स को यूज करते हो, SMG, AR राइफल्स, मार्क्समैन राइफल्स सभी को यूज करते हो, तो आपको यूज करना चाहिए मारो की एबिलिटी को। अब मारो को यूज करने से भले आप लोग AR के अंदर M4A1, स्कार, ग्रोजा कुछ भी यूज कर लो, मार्क्समैन राइफल के अंदर AC-80, वुडपेकर कुछ भी यूज कर लो, अगर आप लोग लॉन्ग रेंज से किसी भी एनिमी को डैमेज दोगे ना, तो उसके ऊपर 25% ज्यादा डैमेज पड़ेगा, और साथ ही में अगर उस एनिमी के ऊपर मार्क होगा किसी भी चीज का, तो उसके ऊपर 3.5% एडिशनल डैमेज पड़ेगा। मतलब टोटल अगर आप लोग मारो को यूज करोगे तो आप 28.5% एनिमी के ऊपर एडिशनल डैमेज दे सकते हो लॉन्ग रेंज से। और इसके एबिलिटी का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आपको सेकंड स्लॉट के अंदर यूज करना है मोको की एबिलिटी को, जिसके एबिलिटी को यूज करने से अगर आप लोग एनिमी के ऊपर डैमेज दोगे तो वो 5 सेकंड के लिए मार्क हो जाएगा, और अगर आपके पास इलाइट मोको भी होगा तो मार्क होने के बाद अगर वो एनिमी मूव करेगा तो 6.5 सेकंड के लिए वो और ज्यादा मार्क हो जाएगा, जिससे एक तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि एनिमी कहां कहां पर मूव कर रहा है, और दूसरा आप इसके एबिलिटी को यूज करके मारो का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे कि आप लोग इस क्लिप के अंदर देख भी सकते हो, जब मैंने फर्स्ट बुलेट फायर किया तो उसके ऊपर 25 का डैमेज आया, लेकिन जैसे उसके ऊपर मोको का मार्क आया तो उसके ऊपर 27-29 तक भी डैमेज आया, जिससे एनिमी जल्दी फिनिश हो गया। तो इसलिए अगर आप लोग सपोर्टर हो, लॉन्ग रेंज से कवर देते हो, तो मारो के एबिलिटी को यूज करके आप एनिमी के ऊपर ज्यादा डैमेज देकर या तो उसको जल्दी फिनिश कर सकते हो, और
अगर बाई चांस वो फिनिश नहीं भी होता तो उसका बहुत ही ज्यादा हेल्थ आप कम कर सकते हो, जिससे आपके जो टीम के रसर्स है वो उसको इजिली जाकर मार पाएंगे। और साथ ही में आपके पास मोको की भी एबिलिटी होगी, जिससे आप जिस भी एनिमी को डैमेज दोगे, मान के चलो वो काफी ज्यादा डैमेज है, उसके बाद उसके ऊपर मार्क आ जाएगा, तो आपके टीम के जो रसर्स होंगे ना उसको उसका लोकेशन पता होगा, जिससे कि वो उसको इजिली जाकर मार पाएगा। तो इससे आपकी टीम के जितने भी रसर्स होंगे ना उनको आपके एनिमीज का लोकेशन पता होगा, जिससे वो लोग इजिली जाकर उनको मार पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एनिमी को मैंने जैसे डैमेज दिया उसके ऊपर मोको का मार्क आ गया, और उसके ऊपर जो मेरे टीम के रसर्स थे उन्होंने उसके ऊपर रस करके उसको मार दिया। और मोको की एबिलिटी को यूज करने से ना सिर्फ आपके टीममेट को बल्कि आपको भी इसका बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले तो भाई यही है कि मारो के साथ इसको यूज करोगे तो आप एडिशनल डैमेज दे पाओगे, और दूसरा अगर आप शॉर्ट रेंज के अंदर भी इसको यूज करोगे ना तो वहां पर भी ये काफी यूजफुल होता है। जैसे कि आप लोग यहां पर देखो, यहां पर मैंने जैसे एनिमी को डैमेज दिया तो उसके ऊपर मार्क आ गया, तो मुझे पता चला कि भाई ये बंदा अभी बाहर निकलने वाला है कवर से, तो उसी टाइम मैंने उसके ऊपर फायर किया और उसको मैंने मार दिया। तो मोको की एबिलिटी को यूज करने से ये आपको शॉर्ट रेंज के अंदर भी बेनिफिट देने वाला है और साथ ही में लॉन्ग रेंज के अंदर भी बेनिफिट देने वाला है। और भले आप लोग राफेल यूज करो या फिर मारो, दोनों के साथ ही अगर आप लोग मोको को यूज करोगे तो आपको बेनिफिट 110% मिलेगा। तो अब गाइस कॉम्बिनेशन के लास्ट कैरेक्टर को जानने से पहले, अगर आपको अभी तक वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई आपका इतना सा एफर्ट ना हमारे लिए काफी बड़ा मोटिवेशन होता है, तो प्लीज गाइस कर लेना। और मोको के बाद गाइस बचता है हमारा लास्ट स्लॉट, जिसके अंदर आपको यूज करना है लूना के एबिलिटी को, जिसके एबिलिटी को यूज करके आपके गन का जो रेट ऑफ फायर है वो 8% इंक्रीज हो जाता है, और उसी रेट ऑफ फायर का 15% आपके मूवमेंट स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों के अंदर ही काफी बेनिफिशियल होता है। और ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आपके गन के अंदर रेट ऑफ फायर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आप उस गन से इजीली हेडशॉट भी कनेक्ट कर सकते हो, और अगर बाई चांस हेडशॉट नहीं भी लगते तो आप लोग बॉडी शॉट से भी एनिमी को इजीली खत्म कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके गन के अंदर ज्यादा रेट ऑफ फायर होगा तो कम टाइम के अंदर आपके गन से ज्यादा गोलियां निकलेंगी, और ज्यादा गोलियां निकलेंगी मतलब एनिमी के पास कम टाइम होगा बचने का, जिससे आप लोग एनिमी को इजीली नॉकडाउन कर सकते हो। और स्पेशली इस कॉम्बिनेशन के अंदर लूना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर आप लोग लॉन्ग रेंज से मार्क्समैन राइफल वगैरह यूज करते हो तो आपको पता है कि भाई मार्क्समैन राइफल के अंदर रेट ऑफ फायर कम होता है, इसीलिए अगर आप लोग लूना को भी यूज करोगे तो आपके मार्क्समैन राइफल का रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा, जिससे आप लोग एनिमी को जल्दी खत्म कर पाओगे, जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड गेम प्ले के अंदर देख भी सकते हो। और ना सिर्फ मार्क्समैन राइफल, अगर आप लोग एआर राइफल्स को भी यूज करते हो तो उससे भी आप लोग एनिमी को जल्दी डाउन कर सकते हो, और ना सिर्फ एआर राइफल्स और मार्क्समैन राइफल, आप शॉर्ट गन के अंदर भी अगर आप लोग एसएमजीज या फिर शॉर्ट गन्स को यूज करते हो तो वहां पर भी आपका रेट ऑफ फायर ज्यादा होगा, तो उससे भी आप लोग एनिमी को जल्दी खत्म कर सकते हो। और तीनों का एग्जांपल मैंने आपको बैकग्राउंड के अंदर दिखा दिया। ओवरऑल गाइस भले आप लोग हेडशॉट मारो या फिर बॉडी शॉट मारो, शॉर्ट रेंज के अंदर फाइट करो या फिर लॉन्ग रेंज से कवर दो, सभी के अंदर अगर आप लोग इस कॉम्बिनेशन को यूज करोगे तो गाइस आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, और इसको मैंने भी यूज किया सीएस रैंक के अंदर और मुझे भी इसका बेनिफिट मिला है। तो अगर आप भी अपनी टीम के सपोर्टर हो या फिर लॉन्ग रेंज से कवर देना पसंद करते हो तो आप लोग इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करो, बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। और बाकी मैंने सभी कैरेक्टर्स की एबिलिटी को अच्छे से समझा दिया कि आप लोग कौन से कैरेक्टर की एबिलिटी को कहां कहां पर और कैसे कैसे अच्छे से यूज कर सकते हो। सो आई होप कि आपको भी समझ में आ चुका कि आपको इस कॉम्बिनेशन को और कौन कौन से कैरेक्टर्स को पर्टिकुलरली कहां कहां पर कैसे यूज करना है, तो अभी मेरे ख्याल से आपको रैंक पुश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस यार आज के इस वीडियो के अंदर यहीं तक था, आई होप कि आपको ये कॉम्बिनेशन और वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके ऑल भी प्रेस कर देना, हमारे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।